रीवा के सुंदरजा आम आमों का जो राजा है, जीआई टैग मिल गया है। इन आमों की अब देश दुनिया में भी पहचान बढ़ेगी। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुंदरजा आम के साथ ही मुरैना की, गजक और छत्तीसगढ़ की धमतरी के नागरी दुबराजा चावल को जीआई टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम शिवराज सिंह ने भी रीवा व मुरैना के साथ सभी प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई दी है। सुंदरजा आम रीवा के गोविंदगढ़ में होता है और अपने स्वाद सहित गुणों से भरपूर यह आम रीवा सहित पूरे देश में काफी प्रचलित है। इस आम को शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। खाते समय इसमें रेशे नहीं होते। इस आम में जो मिठास और स्वाद है वह दूसरे आमों में नहीं है। यहाँ के आम बड़े बड़े शहरों में बिकने आते हैं, जो 500 रुपए किलो तक बिकते हैं। सुंदरजा आम जिले की एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल है। क्या नाम है आपका, क्या बिजनेस करते हैं? मेरा नाम बलराम सिंह है, मैं वैष्णो फ्रूट कंपनी का ओनर हूँ। आप आम बेचते? तो आम बेचते भी है, सप्लायर भी करते हैं। इंडिया में हर जगह सप्लायर है अपना, रीवा का भी आम सप्लायर है। सुंदरजा आम तो अपने इंडिया में हमारे पास सभी जगह से ऑर्डर आते रहते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गए, अपना जम्मू तभी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पानीपत हो गया, यहाँ सबसे ऑर्डर हमारे पास आते हैं। तो हम ट्रेन, बस, फ्लाइट द्वारा सब जगह सप्लायर करते हैं। कितना आम आम अपने पास है? हर सिटी में, जैसे अपना जम्मू तभी हो गया, जम्मू तभी में तो डेली का 2 से 3 टन माल जाता ही जाता है सुंदरजा आम, क्योंकि सुंदरजा आम इतना स्वादिष्ट है, उसको शुगर फ्री वाला भी खा सकता अपने को। शुगर फ्री हो गया, इसे नॉर्मल वाले भी लोग खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट है। और वो इंडिया का ऐसा आम बन गया है कि उसको मैंगो आम में सबसे उत्कृष्ट, जिसको बोलते हैं राजा आम, सुंदरजा को माना गया है। कितने रेट तक बिकता है क्या उसका आम का? उसका रेट रहता है 200, 250, 300, 400, जितनी भी दूर सिटी जाएगी उस हिसाब से रेट तय किया जाता है उसका। 500 तक, 1000 तक भी जाता है अपना आम, भोपाल और इंदौर जाता ही जाता रहता है। हर शासकीय कर्मचारी को सुंदरजा आम पसंद आता है। इंदौर हमने खाया, ऐसा टेस्ट है कि जैसे हमारे ग्रीन एप्पल है शुगर फ्री, ऐसा आम है, वो शुगर फ्री भी खा सकते हो, इसे नॉर्मल लोग भी खा सकते हैं। ये आम की आइसक्रीम हो या ओरिजिनल आम, स्वादिष्ट सुंदरजा में मिलेगी आपको। इसके लिए लगातार एफर्ट हो रहा था, और जैसा हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि बहुत जल्द जीआई टैगिंग हो जाएगी, तो परसों जीआई टैगिंग के इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गए हैं। आज उम्मीद है कि सर्टिफिकेट भी हम लोगों को मिल जाएगा। सुंदरजा आम न केवल रीवा की बल्कि बिंध की एक पहचान है, और इसके जीआई टैगिंग से इसके एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हम लोग जल्द ही इस तरह के एक सम्मेलन भी सेलर बायर मीट के करने वाले हैं, जिससे कि इसकी पैकेजिंग पे और इसके एक्सपोर्ट को गति मिले। और एक बार जब सुंदरजा आम के एक्सपोर्ट को गति मिलेगी तो रीवा की ब्रांडिंग और रीवा की मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, और जो अन्य प्रोड्यूस हैं आम के भी डिफरेंट वैरायटी जो हैं, और इसके अलावा अन्य सब्जी और फल के जो किस्म तैयार हो रहे हैं, उन सब के भी मार्केटेबिलिटी देश के भीतर और देश के बाहर की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इससे जो उत्पादक हैं, जो ऐसे किसान हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, और रीवा में प्रोसेसिंग की और सेकेंडरी सेक्टर के बेहतर होने की संभावनाएँ बेहतर हो जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में इसके वैरायटीज़ डिफरेंट हम लोग नर्सरी में तैयार कर रहे हैं और विभिन्न किसानों को दे भी रहे हैं। अन्य इलाकों में भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी बढ़ोतरी हो, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक रीजन है और वहाँ की जो इसकी स्वाद है वो बड़ा विशिष्ट है, तो उस इलाके में बढ़ाने की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, दूसरे इलाके में भी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या बढ़े, लेकिन जो विशिष्ट चीज़ें होती हैं उनका बहुत मास प्रोडक्शन होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उससे फिर उसकी क्वालिटी और उसके स्वाद में अंतर हो जाता है। लेकिन इस जीआई टैगिंग के माध्यम से हम लोग रीवा की मार्केटेबिलिटी और रीवा के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, सब्जियों को, फलों को, आम की डिफरेंट वैरायटी जो है वो, उसको हम लोग ज़रूर मार्केट करने के लिए बढ़ाएंगे, ताकि जो देश का बाज़ार है उसमें रीवा का शेयर बढ़े।
सर 1967 में इसी नाम से एक कट जारी किया गया। बताया कि वाइट टाइगर के साथ साथ सुंदरजा आम वो दो विशिष्टता है जिसको कि नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हमेशा मिलता रहा है, और जीआई टैगिंग होने से अब इसके इंटरनेशनल मार्केट में जाने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। तो रीवा के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे जो फ़ायदा रीवा के मार्केट को मिले वो देश में भी और देश से बाहर भी इसकी डेवलपमेंट करने की हर संभव कोशिश करेंगे।